tough time never lasts. Tough people always do. Friends, मैं एक स्टेटमेंट बताना चाहता हूं एडमंड हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के वक्त में, चढ़ने के बाद और लगातार अपने जीवन में लोगों के समक्ष, प्रेस के समक्ष देते रहे। और वह वाक्य था कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के दौरान कभी भी मौसम अच्छा नहीं रहता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के दौरान कभी भी मौसम अच्छा नहीं रहता है। मौसम के कभी भी लगातार अच्छे रहने की गारंटी भी कोई नहीं दे पाता और न हो सकता है। पर जुझारू पर्वतारोही हर साल चढ़ाई करते रहते हैं और सफल होते रहते हैं। यही सत्य है और यही सत्य माउंट एवरेस्ट की तरह स्थिर भी है। और जिन लोगों ने इस सत्य को बखूबी अपने अंदर में आत्मसात कर लिया, वे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर हमेशा सफल होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि माउंट एवरेस्ट के पर चढ़ने के समय में टफ सिचुएशन कभी खत्म ही नहीं होता, लेकिन आश्चर्य की बात है कि जुझारू पराक्रमी टफ पीपुल उसको बनाते भी रहते हैं। मैं आपको अपनी सच्ची कहानी सुनाता हूं दोस्त। 2002 से 2020 तक लगातार मैं अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाता रहा और इसमें चुनौतियां भी आती रही। हर साल दो चीजें मेरे जहन में हमेशा कौंती थी। एक पहली चीज कौंती थी कि इस साल कोई सिचुएशन नहीं बनेगा, लेकिन सच बताऊं परिस्थितियां बनती ही रहती थी, उस साल भी बन जाती थी। कठिन परिस्थितियां किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी न किसी लोगों के साथ, कोई न कोई व्यक्तिगत रूप से, कभी प्रोफेशनल रूप से कुछ न कुछ आ ही जाता था और चुनौतियां आ जाती थी। ये कभी ऐसा नहीं हो पाया कि चुनौती रही नहीं हो, परिस्थितियां नहीं अच्छी मतलब अनुकूल रही, हमेशा कुछ न कुछ प्रतिकूलता बनी रही। दूसरी चीज मेरे दिमाग में हमेशा आता रहता था कि हर महीने जो बिजनेस में डिलीवर करता हूं, क्या अगले महीने भी वैसा ही डिलीवर होगा? और यकीन मानिए यह विश्वास शुरू के 3-4 साल में नहीं बना था, लेकिन हर महीने फिर डिलीवर हो जाता था, हर महीने फिर अच्छा हो जाता था और यह लगातार अच्छा होता रहा, लगातार अच्छा होता रहा। यानी कठिन परिस्थितियां भी कभी खत्म नहीं हुई दोस्त, और सफलता भी लगातार मिलती रही। दोस्त सच ये है कि परिस्थितियां कुछ बिगाड़ नहीं पाती। मैं जब प्लैटिनम था तब भी वही स्थिति थी, फाउंडर्स प्लैटिनम हुआ तब भी वही स्थिति रही, एमरल्ड हुआ तब भी वही स्थिति रही, डायमंड हुआ तब भी वही स्थिति रही, फाउंडर्स डायमंड हुआ तब भी वही स्थिति रही, एग्जीक्यूटिव डायमंड हुआ, फाउंडर्स एग्जीक्यूटिव डायमंड हुआ तब भी वही स्थिति रही, डबल डायमंड शिप आई तब भी वही स्थिति है, और आगे के पर्वतारोह में भी वही स्थिति बनी रही। यानी यही ध्रुव सत्य है, और इस ध्रुव सत्य को मानकर ही एक 3% एक बेसिक फाउंडेशन पिन से एपेक्स लेवल पर चलने वाला आदमी इसको अपने अंदर में अगर मान के चले तो चीजें बदल जाएं। बातचीत शुरू करने के पहले मैं कुछ कहानियां आपको सुनाना चाहता हूं, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है। इस विषय पर क्या मैं बात करूं, और इन कहानियों को मैं दृष्टांत के रूप में आपको जगह जगह पर बात करके बताता भी चला जाऊंगा। दोस्त आप लोग बहुत सारी किताबों को पढ़ रहे हैं, पढ़ते भी होंगे, अब तो लोग सोशल मीडिया पर हैं, वहां भी चीजों को देखते रहते हैं, तरह तरह की जानकारियां उनको मिलती रहती है। क्या आपने, आप गूगल भी करते रहते हैं, बहुत सारे स्टोरीज को देखते भी रहते हैं। आज मैं आपके साथ दुनिया की 5 महान इंस्पायरिंग स्टोरी को शेयर करता हूं, और उसके बाद मैं आपके साथ विषय पर भी आता हूं, और इन सारे स्टोरीज को कहीं ना कहीं मैं अपने विषय के साथ जोड़कर भी आपको अलाइन करके भी दिखाऊंगा। इन 5 स्टोरीज को कहना एक बार में भी संभव है और अलग अलग तोड़कर भी संभव है, लेकिन पहले मैं आपको एक एक करके सब लोगों की कहानियों को सुनाऊं और फिर उसके बाद विषय पे आऊं तो शायद आपको उतना मजा नहीं आएगा। तो मैं दोनों को पैरेलली समानांतर लेके चलता हूं और इस टफ टाइम को आपके साथ मिलकर दिखाता हूं। जो भी लोग जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन क्षेत्रों में उनको
अपने अपने लेवल पे प्रमोशन लेने में, अपने अपने लेवल पे आगे बढ़ने में परेशानियां आती रही, और ये कई प्रकार के होते हैं। प्रोफेशनल चैलेंजेस होते हैं, पर्सनल चैलेंजेस होते हैं, ग्रोथ चैलेंजेस होते हैं, लोग ग्रो नहीं कर पाते हैं, कल्चर को चेंज करने वाली चीजें होते हैं, ये सब सब हर जगह होते हैं, और इन्हीं चीजों को लेकर लोग आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ कुछ चीजें जो समान है वो सब आपके सामने रखता हूं, और आप इससे कोरिलेट करेंगे अपने जीवन को, अपने क्षेत्र को, और विशेषकर आप अपने व्यवसाय को। जो सबसे इंस्पायरिंग स्टोरीज दुनिया में है वो मैं आपका नाम लेकर उसका शेयर करता हूं, वो आप सुनेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बारे में सब लोग जानते हैं, हिज नेम इज थॉमस एडिसन। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि थॉमस एडिसन का नाम आया होगा और आप में से कोई आदमी यह सोच रहे होंगे कि मैं इनकी कहानी नहीं जानता हूं। तो सच भी है, इसको संक्षेप में ही बस इतना कहना चाहूंगा कि थॉमस एडिसन का बाल्यकाल एक मंद बुद्धि के बालक का था। थॉमस एडिसन क्लास से निकाले गए जैसे विद्यार्थी थे। थॉमस एडिसन निराश न हो जाए, डिप्रेस नहीं हो जाए, इसलिए उनकी मां उनको स्कूल जाने नहीं थी बाद में। लेकिन थॉमस एडिसन इन कठिन परिस्थितियों में, इन व्यक्तिगत चुनौतियों से कभी घबराए नहीं। उनकी मां ने उनको हमेशा प्रेरित किया, इंस्पायर किया, और उनको इस डिग्री, इस नौकरी के बजाय उनके अंदर में जो अद्भुत क्षमता है, उस क्षमता का सदुपयोग करके दुनिया के जनकल्याण में निकलने के लिए दिया। और क्या है अंदाज आप जानते हैं? थॉमस एडिसन कौन है सब कहने की जरूरत है, क्या आविष्कार किया वो कहने की जरूरत है। थॉमस एडिसन एक स्तंभ है, जिस स्तंभ के लिए कुछ भी कहना छोटी सी बात है, चाहे वो प्रकाश की बात हो या ऊर्जा की बात हो। सबसे अधिक इंस्पायरिंग स्टोरी में से एक वो है। दोस्त, पर्सनल चैलेंजेस जीवन में सबको आए हैं, कोई ऐसा आदमी है जो बच नहीं पाया है, लेकिन इन परिस्थितियों को चुनौती के रूप में देखकर आगे बढ़ने की कला जो सीखता है वही आगे जाता है। दिस इज द बेस्ट इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड। एक दूसरी इंस्पायरिंग स्टोरी है, वो है एक ऐसी शख्सियत की जिसको लोगों ने बहुत प्यार किया, दुनिया ने उनको लेकर कितने सारे किस्से सुनाए, सब लोग जानते हैं। उस स्त्री को क्वीन ऑफ रिजेक्शन कहा जाता है, रिजेक्शन की रानी है वो, जिसने सबसे ज्यादा नो सुना हो इस तरह की स्थिति। उस समय में, उस समय बहुत सारे पब्लिशर होते नहीं थे, किताबें लिखती थी ये स्त्री। दुनिया में जो सबसे अच्छे अच्छे पब्लिशर हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उन लोगों ने भी इसको रिजेक्ट किया। ये खुशी की बात नहीं है या दुख की बात नहीं है, जितने छोटे पब्लिशर थे सबने रिजेक्ट कर दिया, और टॉप 12 पब्लिशर जो थे उन्होंने तो थ्रू आउट रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ये कठिन परिस्थितियां अवसाद के रूप में नहीं मिली इस स्त्री को। इस स्त्री ने पलटवार किया, और एक दिन दुनिया के साहित्य की दुनिया में टॉप बेस्ट सेलर में इसने अपना नाम लिखाया। किताब का नाम है हैरी पॉटर, उसके बाद कई किताबें आप जानते ही हैं, और स्त्री का नाम है जेके रोलिंग्स। तो जेके रोलिंग्स की कहानी दुनिया में सबसे बड़ी प्रेरणादायक कहानियों में से एक। कहते हैं कि सक्सेस स्टोरीज आर ऑन द बैक ऑफ हार्ड वर्क एंड स्टीडी डिटर्मिनेशन, नॉट डे ड्रीमिंग ड्यूरिंग द जॉब। बहुत सारे लोग सपने देखते रहते हैं और समझते हैं वही सारी चीजें बदल देंगी उनको, लेकिन सच्चाई ये है कि कड़ी मेहनत और लगदृढ़ संकल्प जिसको कहते हैं, उसी से चीजें बदलती हैं। एक तीसरी इंस्पायरिंग स्टोरी है, मैं पहले ही सब बता देता हूं, वॉल्ट डिज्नी की, नाम जान ही रहे। इस बेचारे को न्यूज़पेपर से निकाला गया, एक भी क्रिएटिव काम उसका पसंद ही नहीं आता था। हम और आप तो रोते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन देखिए कि जब निकाल दिया गया तो अलमीरा के नीचे से चूहा निकलता है, मिकी माउस की कल्पना होती है, और आज स्थिति यह है कि दुनिया के 90% लोग से ज्यादा पॉपुलर मिकी माउस कार्टून है। आपसे हमसे ज्यादा पॉपुलर वो है कार्टून जो निर्जीव है। दोस्त, उस वाल्ट डिज्नी जिसको इतना रिजेक्ट किया गया था, 22 एकेडमी अवार्ड्स मिले उसको, ऑस्कर 4 बार नॉमिनेशंस, और सबसे बड़ी बात है कि
दुनिया में सबसे ज्यादा नॉमिनेशन अगर किसी हिस्ट्री में किसी एक शख्सियत उसके कार्टून के लिए हुआ तो वॉल्ट डिज्नी 59 टाइम्स। सोचिए कितनी बड़ी सफलता है और कहां था, कितनी बड़ी असफलता, कितनी बड़ी परिस्थितियों से निकला है। एक और शख्सियत की चर्चा मैं करना चाहूंगा, बहुत ही गरीब परिवार से जन्म लिया हुआ यह शख्सियत, यूक्रेन में जन्म लिया, कई महीनों कई सालों तक कुछ कुछ काम करता रहा, प्रारंभिक असफलताएं थी। फिर एक दिन एक अपने दोस्त के साथ, ब्रायन एक्शन एक दोस्त उसका था, उसके साथ मिलकर उसने एक बड़ा ही चुनौतीपूर्ण काम किया, एक चैलेंजिंग ऐप बनाया। इसके पहले कई नौकरियों में भी वो गया, अच्छी नौकरी नहीं मिली, इवन फेसबुक में गया, फेसबुक ने तो रिजेक्ट कर दिया, कहा तुम तो नौकरी के लायक हो ही नहीं हमारे। और इस बीच वो एक चैलेंजिंग ऐप बना रहा था, और जानते हैं दोस्त जिस ऐप का उसने निर्माण किया वो कौन सा ऐप था? व्हाट्सएप। और व्हाट्सएप की स्थिति धीरे धीरे चलने की ये हुई कि यूजर इंक्रीज होने लगे, और एक दिन जब 1.2 बिलियन यूजर पर मंथ हो गए तो फेसबुक से रहा नहीं गया, वो उसी जॉन कुओम के पास लौटा, उस शख्सियत का नाम है जॉन कुओम, लौटा और उसके पास कहा जो भी दाम लगाओ ये व्हाट्सएप मुझे दे दो। जिस शख्सियत को उसने नौकरी पर नहीं रखा, $19 बिलियन में उस व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीदा। क्या कठिन परिस्थितियां, क्या चुनौतियां, कितनी बड़ी सफलता, गजब की इंस्पायरिंग स्टोरी है। एक और स्टोरी सुनाता हूं आपको, एक शख्सियत को सब लोग जानते हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी जानते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग तो जानते ही हैं। मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आप देसी चटखारे लेकर कहानियां बहुत सुन चुके हैं। ये शख्सियत आज के डेट में डिस्कवरी में, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और इस शख्सियत ने नरेंद्र मोदी के साथ भी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के साथ भी एक दिन एक रात बिताया जंगलों में। इस शख्सियत का नाम है बियर ग्रिल्स, जो मास्टर है, ट्रेंड है विंटर के किसी सिचुएशन में चलने का, जंगल के सर्वाइवल में, जंगल के घने जंगलों में कई दिनों तक रहने का, सर्वाइव करने का, डिमोलिशंस कहीं हो रहा है उसमें रहने का, ट्रॉमा के सिचुएशंस में, मेडिकल इमरजेंसीज के सिचुएशंस में ये आदमी घूमता है और 5-5 दिन रात रहता है बिना किसी नमक खाना के और सर्वाइव करता है। बियर ग्रिल्स डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिक चैनल का सबसे प्यारा आदमी है, ब्रिटिशर है, लेकिन इसकी कहानी कितनी कठिन परिस्थितियों के साथ रही है आपने कभी नहीं जाना होगा। इसने शुरुआती नौकरी इसको स्पेशल एयरफोर्स में हुई थी, वहां पर जो भी एक्सरसाइज होता था उसमें और मदद करने के लिए, सपोर्ट के लिए, वहां उसने कुछ सालों तक काम किया। उसके बाद जाम्बिया में गया था एक बार, और जाम्बिया में फ्री फॉल की जो ट्रेनिंग होती है पैराशूट के साथ, उस पैराशूट के साथ कूदने की प्रैक्टिस में गिरा तो पैराशूट खुला ही नहीं और 16,000 फीट से वो कूदा था। कैन यू बिलीव इट, क्या हुआ होगा, मरा नहीं लेकिन सब कर्म हो गया, स्पाइन इंजुरी, 18 महीने तक बेड पे, उठ नहीं सकता था 18 महीने तक बेड पे। लेकिन उसके बाद की कहानी, टफ टाइम ऑलवेज डू कम्स टफ पीपुल, टफ टाइम नेवर लास्ट, टफ पीपुल ऑलवेज डू, टफ टाइम इससे कुछ अधिक हो ही नहीं सकता था, लेकिन वो भी टफ पर्सन था। 18 महीने के बाद बेड से उठा और उसने अपना इतिहास खुद लिखा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया, उसके बाद कई पहाड़ों पर चढ़ा, और उसके बाद तो कहानी ऐसी बदली कि जंगल सर्वाइविंग, टफ टाइम्स, यही उसका नशा था, यही उसकी रुचि थी, और यही उसको लोकप्रिय बना दिया, यही उसको अरबपति बना दिया। दोस्त कभी उसने एक यात्रा के दौरान कहा था कि आई ऑलवेज पुश माई बॉडी टू इट्स लिमिट्स, जो अपने शरीर को उसके लिमिट के अंतिम कोने तक खींच के ले जाता है, परिस्थितियां उसको कभी हरा नहीं पाती। दुनिया की सबसे प्रेरणादायक स्टोरी में से एक ये भी। दोस्त बहुत सारी कहानियां मेरे पास है, लेकिन आइए एक अंतिम कहानी सुनाकर बात खत्म करता हूं। एक शख्सियत है जो भारत का, उसको लेकर, और अंत में एक और कहानी कहूंगा जिसको आप जानते हैं, संदीप सिंह भिंडर का नाम बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, मैंने भी पढ़ने के दरमियान ज्यादा सुना, 2011 में उसकी कहानी मैंने सुनी थी।
लेकिन इस बार फिर से रिमाइंड हुआ, क्योंकि इस लॉकडाउन में कई किताबें पढ़ रहा था, अभी भी पढ़ता हूं। ये सक्षत हॉकी का प्लेयर है, इंटरनेशनल डेब्यू उसका 2004 में हुआ, भारत में अंतरराष्ट्रीय खेले में 2004 में इसको सेलेक्ट किया गया और ये खेल रहा था। बहुत खास बात है, लेकिन उतनी खास बात नहीं। सुल्तान अजलान शाही ट्रॉफी में ये अपनी टीम को आगे ले गया, और इसकी खास विशेषता थी कि ये ड्रैग करने में जितना फास्ट है, ये जो करते हैं ड्रैगिंग, इस ड्रैगिंग में 145 किलोमीटर पर आवर की ड्रैगिंग करता है, इतना जबरदस्त, इसलिए ये खास रूप से जाना गया। अजलान शाह ट्रॉफी के फाइनल में भी टीम को ले गया, लेकिन दोस्त यह खास बात नहीं थी। खास बात तो तब हुई जब 2006 में शताब्दी ट्रेन से यात्रा कर रहा था और यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया, गिर गया दोस्त, पैर पे से चीजें चली गई, पैरालाइज्ड व्हील पे आ गया, बेड पे आ गया। 2 साल तक ये बेड पे रहा और व्हील चेयर के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सोचिए खिलाड़ी के लिए जो 145 किलोमीटर से ड्रैग करता हो बराबर से। लेकिन दोस्त कठिन परिस्थितियां तो जीवन में आती ही हैं, कठिन लोग, पराक्रमी लोग उसको लेके निकल जाते हैं। 2 साल के बाद वो फिर से उठा और उसने मैदान को छोड़ा नहीं, कर हर मैदान फतह वाली जो बात है, और फिर कहानी शुरू हो गई तेज और तेज और फिर वही रफ्तार, फिर वही शार्पनेस, वही ड्रैगिंग, वही फ्लिकिंग। 2009 का सुल्तान अजलान शाह कप सेलेक्टेड हुआ और टॉप गोल स्कोरर हुआ, सबसे ज्यादा गोल ठोका उसने। यही नहीं, 2012 के समर ओलंपिक्स में 8 साल के बाद विंटर ओलंपिक्स में फिर से उसने इंडिया को जिताया। कैन यू बिलीव इट? तो हमारा आपका क्या है यार, कितनी छोटी सी चुनौतियां हैं, ठंडा गरम, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दो चार स्पॉन्सरिंग नहीं, क्या इसका मतलब है? ये तो कुछ बात ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं, जीवन में जिन लोगों ने चुनौतियों को सिर्फ एक उपादान माना अपने निर्णय को और अपनी मंजिल को अपना साध्य माना, उनके लिए चुनौतियां कुछ नहीं होती। लेकिन जिन लोगों ने चुनौतियों को देखकर अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमता और प्रतिभा को उसके साथ लड़कर और उसको देखकर पीछे हटने की सोच रखने की शुरुआत कर दी, पराक्रम होने के बावजूद भी वो आदमी पराक्रमी नहीं हो पाता है और जीत नहीं पाता है। इसीलिए कठिन परिस्थितियां जीवन में आती रहेंगी, पराक्रमी लोग उसको हराते रहेंगे और आगे बढ़कर जीतते रहेंगे, यह हमेशा याद रखने की बात है। फॉर आवर बिजनेस, हाउ दीज इंस्पायरिंग स्टोरीज वर्क, हमारे लिए इसका क्या काम है, हमारे पूरे इस बिजनेस में क्या कठिन परिस्थितियां आती हैं। कहानियां तो अच्छी लगी, इंस्पायरिंग लगी, लेकिन हमारे 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 इस बिजनेस में क्या मतलब है, कैसे इसको देखेंगे हम, अपना चश्मा लगाकर इसको देखने की शुरुआत कैसे करेंगे? लेट अस कम एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। आई कैटेगराइज इनटू 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 5 बिंदुओं में देखना चाहिए अपनी कठिन परिस्थितियों को। मैं अपने बिजनेस के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं, दिस इज ऑल अबाउट इन आवर बिजनेस कंटेक्स्ट। एंड आई विल से दैट पीसीपीसी, अगर आप 4 वर्ड लिखिए पीसीपीसी, पीसी को 2 बार लिखिए पीसीपीसी, तो प्रेफर्ड कस्टमर आप कह लीजिए, तो मसला हल हो जाएगा। क्या मसला हल हो जाएगा कि 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन बिंदुओं की चर्चा करना चाहता हूं। पहला है पर्सनल चैलेंज। हमारे पास जो कठिन परिस्थितियां आती हैं हमारे बिजनेस में, उनका जो रूप होता है वो रूप मैं बताना चाहता हूं। टफ टाइम तो आएंगे, तो टफ टाइम कैसा आएगा? टफ पीपुल हम हैं, हम व्यक्ति विशेष संज्ञावाचक कहते हैं, हम पर्सन हैं, और टफ सिचुएशन क्या होगा, तो पर्सन तो अलग अलग वैरी करेगा, टफ सिचुएशन सबके लिए एक जैसा होगा। अब वो कितने कैटेगरी में होगा, तो पहली कैटेगरी पर्सनल चैलेंज, दूसरी कैटेगरी प्रोफेशनल चैलेंज, ये पी में, पहले पी में पर्सनल प्रोफेशनल 2 आ गया, तीसरी कैटेगरी क्रिएटिंग टीम चैलेंज, जब टीम बनाते हैं उस समय चैलेंज आता है, क्रिएटिंग टीम चैलेंज, ये टफ सिचुएशन आता है। चौथा टफ सिचुएशन चेंजिंग पिन चैलेंज, पिन को बदलने में चैलेंज होता है, सब कुछ किए लेकिन वहीं पर चल रहे हैं,
पिन नहीं बदल पा रहे हैं, वो टफ सिचुएशन आता है। चेंजिंग पिन चैलेंज एंड लास्ट फिफ्थ चेंजिंग कल्चर चैलेंज। कल्चर को बदलना पॉसिबल नहीं होता है। तो पहला पी है पर्सनल एंड प्रोफेशनल, दूसरा सी जो है वो है क्रिएटिंग टीम चैलेंज, चौथा जो पॉइंट है पिन, वो पिन चैलेंज है जो चेंज करना है, चेंज नहीं होता है, और पांचवा जो है वो सी है दैट इज कल्चर चैलेंज, चेंजिंग कल्चर चैलेंज, पीसीपीसी। पांच बिंदु है, एक एक करके दो दो मिनट बात कर लेता हूं, उस पर शेयर करता हूं, आपको बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। पर्सनल चैलेंज, व्हाट पर्सनल चैलेंजेस कम इन आवर बिजनेस। कई तरह के व्यक्तिगत चुनौतियां आती हैं। सबसे पहला तो आता है आवर माइंडसेट, पर्सनल चैलेंज में हमारी मानसिक दशा अद्भुत होती है, ऊपर नीचे, छोटी बातों से बड़ी बातों से, मजबूत है, चल रहे हैं, लेकिन अचानक कुछ सिचुएशन आया, सर्कमस्टांसेस आया और हमारा माइंडसेट ही बदल गया, मानसिक दशा ही बदल गई। कुछ लोगों की तो मानसिक दशा ऐसी बदलती है कि उनके जीवन में उथल पुथल हो जाता है, कुछ लोगों की मानसिक दशा बदलती है वो बिजनेस चेंज कर लेते हैं, कुछ लोग तो डायरेक्ट सेलिंग के कोई अलर बलर कंपनी के बारे में भी सोचने लगते हैं, और ये सब अप्स एंड डाउन्स के चलते होता है। फ्रेंड्स, अगर आप सोचिएगा कि जीवन भर आपका एक जैसा माइंडसेट रहेगा तो ये सोचना गलत है। परिस्थितियां उसको उल्टेंगी, बदलेंगी। अचानक से कोई एक समाचार आता है और आपकी मानसिक दशा बदल जाती है, अरे तो वो होगा ही ना, लेकिन समाधान भी तो उसका होगा। वो विचार आया तो वो विचार आया, वो परिस्थिति आई, वो परिस्थिति गुजर भी जाएगी, जीवन रुकेगा नहीं, जीवन चलता रहेगा। कुछ लोग कुछ सपने बनाते हैं, सोचते हैं, उन पर अचानक से कोई मरहम लगाने के लिए भी नहीं आता है, दो चार दस दिन उन्हें दिक्कत हो जाती है। तो आपको सबसे पहले सोचना होगा कि क्या ये व्यक्तिगत चुनौती मेरे मंजिल तक पहुंचने के लिए बदल जाएगी, तो मेरी मंजिल बदल जाएगी। और जब ऐसे सोचेंगे तो चीजें बदल जाएंगी। मुझे याद है 2002 में जब मैं फाउंडर प्लैटिनम गया था, तो एक बार मैं दफ्तर गया था, दफ्तर में कुछ ऐसी चुनौतियां आई थी जिसने मेरी मानसिक दशा को 48 घंटे के लिए बदल दिया। लेकिन क्या मैंने 48 सेकंड के लिए भी इस बिजनेस के बारे में सोचने की मानसिक दशा को बदला? कभी कभी नहीं, कभी नहीं। पिछले साल बहुत सारी ऐसी चीजें आई जिसमें माइंडसेट मेरा भी बना बिगड़ा, लेकिन चीजें चलती रही। कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं बहा करता, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। तो मानसिक दशा को बदलना उचित नहीं है, ये आपको पर्सनल चैलेंज में आएगा। फैमिली चैलेंज, किड्स के बारे में, वाइफ के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, एग्जाम के बारे में, कई चीजें आएंगी बीच में। जीवन है तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने आएंगे ही, सोचिएगा कि जनवरी सिर्फ रहे, ऐसा तो होता नहीं। पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस में मौसम चार होता ही है। तो उसी तरह से परिवार में परीक्षाएं होंगी, सालाना परीक्षाएं होंगी, बच्चे धीरे धीरे बड़े होंगे, पत्नी के साथ आप रोज एक मोड में 96.5 डिग्री फारेनहाइट तापमान पर नहीं रहिएगा, कभी आप आग बबूला होइएगा और कभी आप प्यार का रसगुल्ला होइएगा पत्नी के साथ, और यह चलता रहेगा तो क्या बिजनेस भी आग बबूला होगा और बिजनेस का भी प्यार का रसगुल्ला होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये सब चलेगा, रोज चलेगा, लेकिन ये चुनौतियों से आपको उबरना होगा, आपको निकालना होगा। परीक्षाएं होंगी किसी की, सीबीएसई के, ठीक है, आपका ध्यान देना है, सब कुछ देना, मानसिक रूप से व्यक्तिगत रूप से मेरे में कोई बदलाव नहीं होगा। शायद मैं शाम को कल दोपहर को प्लान दिखाने न जाऊं, शायद मैं अपने बच्चे को एग्जामिनेशन के लिए सेंटर पर देने जाऊं, लेकिन मेरे फोन पर मेरी बातचीत में चीजें चलती रहेंगी। एंड दैट्स ऑल अबाउट टफ पीपल ऑलवेज डू। कुछ दुख का समाचार भी होगा, कुछ जश्न का भी माहौल होगा, दोनों में, दोनों चीजें समय को लेने वाला है, लेकिन उन दोनों चीजों में आपको एक जैसी प्रतिक्रिया करनी है एज फार एज योर बिजनेस इज कंसर्न। सेलिब्रेशन में, मॉर्निंग में भाव वैसा ही आएगा, जो है सेलिब्रेशन है तो सेलिब्रेशन जैसा, मॉर्निंग है तो मॉर्निंग जैसा, लेकिन अपने डाउनलाइन को, अपने किसी गेस्ट को, अपने इन भावों से आरोह और अवरोह में नहीं लेना। यार आज तो मैं खुश हूं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा,
यार आज तो मैं दुखी हूं, अब तो मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा, ऐसा नहीं। और जब इन चीजों से मैं आप पारंगत हो जाएंगे तो आप बहुत आगे बढ़ते चले जाएंगे। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैं जिनको कितने चैलेंजेज आए, व्यक्तिगत चैलेंजेस चुनौतियां आई हैं। मैं नाम सबका कोट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कई ऐसे एमरल्ड हैं जिनकी व्यक्तिगत चुनौतियां इतनी बड़ी हुई जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन मैंने उन लोगों को बाउंस बैक होते देखा है, सेलिब्रेशन के माहौल में भी, मोर्निंग के माहौल में, दुख के माहौल में। व्यक्तिगत रूप से कई चुनौतियां आई हैं, लेकिन उन चुनौतियों को उन्होंने सहजता से स्वीकार किया और वो बाउंस बैक किए। और ये हमारे जितने एमरल्ड्स हैं, डायमंड्स हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ देम। मैं उन सबों पर प्राउड कर सकता हूँ, गर्व कर सकता हूँ। जो सच्ची बात है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो ये समझने की जरूरत है, पर्सनल चैलेंज बहुत आदमी को रोकता है, लेकिन आपको उससे निकलना। मैंने अभी आपको संदीप सिंह विंडर की कहानी सुनाई, थॉमस एडिसन की कहानी सुनाई, व्यक्तिगत चुनौतियों की कहानी है, क्या कहने की जरूरत। जो दूसरा बिंदु है वो है प्रोफेशनल चैलेंज। प्रोफेशनल चैलेंज में किस तरह की चुनौतियां आ सकती हैं, कठिन परिस्थितियां आ सकती हैं। एटीट्यूड ऑफ बॉस, बॉस का एटीट्यूड बदल गया, बॉस दूसरा बॉस है, अद्भुत है। लेकिन आप भी कलाकार बनकर उन कठिन परिस्थितियों में कब पानी में तैरते रहिएगा और कब बिजनेस कीजिएगा ये पता नहीं चले। बहुत लोग पूछते हैं सर बॉस खड़ूस आ गया। अरे कोई भी बॉस खड़ूस होगा, किसी को भी प्रेम दोगे और प्रेम से बात करोगे और होली दीपावली में विश करोगे, कुछ गिफ्ट दोगे तो सबको अच्छा लगेगा। विनम्रता का भाव बनाकर, उनके प्रति तुम आग्रह बनाकर बनाए रखो और अपने आप को संयमित रखो, तो खड़ूस बॉस भी कहेगा कि यार ये तो बुरा आदमी नहीं है। क्योंकि तुम्हें पार्ट टाइम में अपने बिजनेस को बिल्ड करना है, तुम्हें सत्य और असत्य के बीच में कोई मंडन मिश्र की तरह निर्णय नहीं देना है, तुम्हें तो बस वहां अपना परफॉर्मेंस, अपना काम करके निकल जाना है। और बॉस को खुश करना हमेशा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं होता है, बल्कि वहां पर के माहौल को अच्छा बनाए रखने के लिए होता है। दैट इज जॉब ट्रांसफर। निकल गए यहां से, लखीसराय ट्रांसफर हो गया, बांका हो गया, गोरखपुर हो गया, अरे तो क्या हुआ, सब खत्म हो गया सर, कहां से प्रोस्पेक्ट आएगा, जो डाउनलाइन है वो कैसे सुनेगा, अरे तो क्या हो गया, अब तो भूगोल एक है, इंटरनेट है, जूम है, हैंगआउट है, ब्रिज कनेक्ट है, सब चीज तो तुम्हारे साथ है, हाथ में तुम्हारी सारी दुनिया है, एक स्मार्टफोन और तुम साथ हो तो दुनिया का कोई भी कारनामा हो सकता है, चिंता की क्या बात है। और कहीं तुम जंगल में तो नहीं जा रहे हो, और नए स्ट्रेंजर्स मिलेंगे, सब अच्छे मिलेंगे, अच्छी और टीम बनेगी, चीजें बदलेंगी, सोचते कैसे हो ये महत्वपूर्ण है। कठिन परिस्थिति तो हुई, लेकिन उसका तुम समाधान कैसे करते हो, तुम उसका मुकाबला कैसे करते हो, वही तो तुम्हारी परीक्षा है। तुम क्या सोचते हो अगले 15 वर्ष में जब तुम क्राउन जाओगे तो सारे पिन को अचीव करते समय में जॉब मधुर मिलेगा, पत्नी मधुर से बोलेगी, ट्रांसफर कभी नहीं होगा, सारा फाइल ऐसा होगा जिसमें प्रॉब्लम एकदम नॉर्मल होगा, बस हाथ चलाए और लिख दिए, चीजें संयमित होगी, हर दिन समशीतोष्ण जलवायु होगी, कभी कोई बीमार नहीं पड़ेगा। ऐसा होता है? ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी होगा भी नहीं, ऐसा कभी होगा भी नहीं। तो जॉब ट्रांसफर होगा, खुशी से लो इसको, एक नई अपॉर्चुनिटी समझ के लो, चीजें बदल जाएंगी। हमारे ग्रुप में कितने लोग हैं, अभिजीत जी का, ओम प्रकाश जी का, सबका ट्रांसफर हुआ, हम लोग भी ट्रांसफर पाए, साहू जी का हुआ, क्या हुआ, क्या बिगड़ गया, जहां भेजोगे वही सस्य श्यामला धरती है, वही काम करेंगे, वही चीजें बदलेंगे। ये प्रोफेशनल चैलेंजेस आएंगे, ये टफ सिचुएशंस, चेंज ऑफ जॉब, प्रमोशन, ये सब परिस्थितियां आएंगी। लेकिन पराक्रमी आदमी उसी में समय निकालता है, उसी में काम करता है, उसी में चीजें बदलता है। तो दीज आर प्रोफेशनल चैलेंजेस। क्रिएटिंग टीम चैलेंज, टीम को क्रिएट करने के समय में भी चुनौतियां आती हैं। ऐसा नहीं कि गए, 4 बेसिक किए, निकला, ददी गई, घृत काढ़े लियो, 10 आदमी को प्लान दिखाए, 5 आ गया, गेटिंग स्टार्टेड हो गया, 3 बन गया, फिर एक बार लिए, फटाफट टीम तैयार, कोर ग्रुप तैयार, फ्रंटलाइन तैयार, विड्थ तैयार, डेफ तैयार, जय मां वैष्णो देवी की जय हो। ऐसा होता है? नहीं होता है भाई। कुछ लोगों को तो शुरू में स्पॉन्सरिंग ही जल्दी नहीं होती है, स्पॉन्सर करने में देर लग रही है, कुछ लोगों ने करा लिया तो प्रॉपर गेटिंग स्टार्टेड ही नहीं होता है, सुनता ही नहीं है भाई। 100 PV से शुरू करना था, 200 PV से स्टॉक ही नहीं बना, स्टॉक बना तो रिटेल करने के लिए नहीं सीखे, पीसी नहीं बन रहा, पीसी बना तो नीचे में अपने से प्लान नहीं दिखा रहे, महीनों नहीं प्लान दिखा रहे, चलता है। टीम को बनाने के समय में आपकी चिंता तो होगी, ये परिस्थितियां तो आएंगी,
आपने नीचे 3% 6% 9% को तैयार किया, आप प्लेटिनम फाउंडर प्लेटिनम गए, तब तक में 9% इरोड हो गया, 6% निकल गया, इरोजन ऑफ बेसिक पिन, इवन समटाइम बिग पिन ऑल्सो happens man, happens in everywhere. A big company breaks and a new company forms. एक नई कंपनी बन जाती है, एक नई कंपनी दो भागों में बढ़ जाती है. आप एक दो इम्प्लॉय की बात तो क्या कहते हो, एक बिजनेस चल रहा है, दो पार्टनर अलग हो गए, आप एक दो इम्प्लॉय की क्या बात करते हो, क्या इसका मतलब दोनों खत्म हो गए, सब चीज खत्म हो गया? No, tough times always happens. Tough people always too. Tough people, tough time never laughs. हमेशा चलता रहता है, but always happens. तो यहां पर भी कभी कोई 15% का आदमी सुस्त हो गया, कभी कोई 9% का, तो क्या होता है, चीजें खत्म हो गई. दोस्त कभी खत्म नहीं होती हैं, नए पौधे तुरंत आते हैं, बन जाते हैं. इरोजन का काम और क्रिएशन का काम दुनिया में चलता ही रहता है. आज शाम को मैं अपने ग्रुप के एक शख्सियत से मिला, एक अचानक सा कॉल आया और मैंने उनकी परिस्थिति को जाना और मैं मुझसे रहा नहीं गया, मैंने अपने सारे कार्यक्रम को स्थगित करके मैं उनके पास चला गया और वह काफी देर तक बैठा, 1.5 घंटा, 15 वर्षों के बाद गया था. जब मैंने शुरुआत की थी तो he was with me, then he left this business. I have seen a lot of pins who have been eroded from my business also. कितने लोग इरोड किए. हम लोग गप कर रहे थे और कई लोगों का नाम लिए जो आज बिजनेस में नहीं है, लेकिन उस समय जब बिजनेस किए थे वो बेसिक पिन थे हमारे साथ. तो क्या हुआ, मैं रुक गया, तो क्या हुआ, और लोग रुक गए? कभी नहीं रुके, चलते रहे. ये चैलेंज था, ये टफ टाइम था, लेकिन हम भी टफ थे, हमने भी उसको कर गुजारा, हम भी उनको उनके लिए दुख तो मनाए लेकिन आगे बढ़ते चले गए. कल को फिर वो आएंगे. और जब इस तरह की सोच लेकर कोई आदमी क्रिएट करता है सब चीज, तो चीजें बदल जाती है. तो टीम को क्रिएट करने में तरह तरह की चुनौतियां आएंगी, लिस्ट बनाने में, प्लान दिखाने में, पहले स्पॉन्सरिंग नहीं होने में, स्पॉन्सर हो गया तो गेटिंग स्टार्टेड नहीं होने में, कुछ लोगों के ऊपर जाने के लिए, कुछ लोग नहीं गए, कुछ लोग गए और इरोड हो गए, ये सब चलेगा. प्रकृति का यह झमेला है, ये बिजनेस का झमेला है और ये चलता है. इसी के बीच से निकलकर एक सुनहरा भविष्य और एक बड़ा संसार आता है और ये समझने की जरूरत है. तीसरी चीज, चेंजिंग पिन, पिन चैलेंज. अच्छा कर रहे हैं, प्लेटिनम है, फाउंडर प्लेटिनम है, ट्रैक कर रहे हैं, एमरल्ड पर ही है, लेकिन रुके हुए हैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल. यस, कैन हैपन, दिस इज टफ टाइम फॉर यू, बट टफ पीपल ऑलवेज डू. वो भी बदल जाएगा, उससे भी निकल जाएंगे, उससे भी काम करके निकल जाएंगे. और ये होता है, कभी तो अर्ली फाउंडेशनल पिन ही ब्रेक नहीं होता है. 9-12% पर है तो 15% नहीं जा पा रहे हैं. कुछ लोगों को 15% से ब्रेक करने में, प्लेटिनम जाने में बहुत दिन लग गए, लेकिन उसके बाद दर-दर चले गए, उनका वहां पर स्टकिंग हो गया. कुछ लोग विड्थ में ही पिन ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, उनका डेप्थ में तो बहुत पिन ब्रेक हो रहा है लेकिन पिन ब्रेक नहीं हो रहा है. ये उनके लिए टफ चैलेंज है, कठिन परिस्थितियों के लिए. कुछ लोगों के विड्थ में ब्रेक होते हैं लेकिन डेप्थ बड़ा नहीं बन पा रहा है. ये नीचे में अच्छे अच्छे बड़े पिन नहीं आ रहे हैं. विल कम होगा ऐसा, लेकिन आपने अपने अप्लाइंट के साथ बैठकर सबमिशन किया, ठीक से काउंसलिंग की, समाधान निकलेगा. और आप ही तो हैं जिन्होंने ये सब क्रिएट किया था, आप ही तो हैं जो फिर उससे आगे निकल कर चले जाएंगे. हु विल स्टॉप यू? नोबडी विल स्टॉप यू. ये दोस्त समझने की जरूरत है. जॉन क्वाम की कहानी को आप समझिए. जॉन क्वाम ने इसी बात को अपने दिल पे लिया था कि यार, इफ आई कैनॉट इंटर इन फेसबुक, आई कैन क्रिएट समथिंग दैट फेसबुक विल फोर्स टू कम टू मी. दैट चैलेंज वाज़ जॉन क्वाम. और उसने बदला चीज, उसने चीजों को बदल दिया. देखिए, आज दुनिया पूछ रही, मस्त घूम रहा है, मजा कर रहा है, बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर अकाउंट में है, ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, लिविंग हिज ओन लाइफ, ओनली बिकॉज ही अंडरस्टूड दैट टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल ऑलवेज डू. और अंत में जो शब्द आता है, दैट इज चेंजिंग कल्चर चैलेंज. सब कुछ तो बदल जाता है लेकिन कठिन परिस्थितियां संस्कृति को भी बदलने में लोगों को रोकने लगती हैं. परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब हम कल्चर को चेंज नहीं कर पाते हैं. पुरानी संस्कृति को छोड़कर एक अच्छी और नई सतत चलने वाली संस्कृति, जो सनातन हो, जो लगातार लोगों को बिल्ड करे, जो लगातार एक बड़ी टीम क्रिएट करे, उसको लाने में दिक्कतें होती हैं. और उसकी कैटेगरी, उसका फॉर्मेट क्या है, तो 100 पीवी 300 पीवी 3 तारीख को करना,
कर तो सब कुछ लेते हैं लेकिन 3 तारीख को ससुराल सौंप भी करने में दिक्कत है, पैसे गुल्लक में वापस नहीं जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाता हूँ, 300 पी भी तीन को नहीं कर पाता हूँ, ये कठिन परिस्थिति है ये कल्चर को लाने के लिए। दूसरा, दो स्पॉन्सरिंग एक लेवल पे चले गए, आप सब 15% एनफ है, तो अब आपको दो स्पॉन्सरिंग पर मंथ तब तक करनी है जब तक कि सॉलिड 6 to 8 लेग्स आपकी विड्थ में नहीं हो और उसमें एक एक कपल हार्डकोर नहीं हो, तब तक आपको स्पॉन्सरिंग करते रहना है, स्पॉन्सरिंग करते रहना। तो दो स्पॉन्सरिंग पर मंथ करने की चुनौती, ये कठिन परिस्थिति आपके लिए कल्चर के कंटेक्स्ट में। स्मार्ट टच पर आकर लोन करना, रोज सुनना सीडी, आदत नहीं बनाना, नाइट आउट एसोसिएशन में नहीं आना, ये आप नहीं कर पा रहे हैं, ये आपके लिए टफ टाइम है। आप बाकी कर रहे हैं लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं। दोस्त, जब तक आप संस्कृति को नहीं बनाइएगा, जब तक आप लगातार एक धारा को, अविरल धारा को नहीं चलाइएगा, तब तक सब कुछ होने के बावजूद भी आप अनिश्चितता के माहौल में रहिएगा, और उसी अनिश्चितता के माहौल को तोड़ना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है इस बिजनेस में। तो इस टफ टाइम को कैसे तोड़ेंगे? इस संस्कृति को बनाकर कि शॉपिंग भी 3 तारीख को करते हैं, लगातार रिटेल करते हैं, पैसा गुल्लक में वापस लाते हैं, दो स्पॉन्सरिंग हर मंथ करते हैं, उसके लिए फाइट करते हैं, 20 प्लान, 10 प्लान, 15 प्लान, 12 प्लान दिखाते हैं और विड्थ में क्रिएट करते हैं, स्मार्ट टच का प्रॉपरली यूज करते हैं, नाइट ओन एसोसिएशन में बने रहते हैं, और जब ये करते आप लगातार रहते हैं तो जो कठिन परिस्थितियां है वो बदल जाती है। यही इसका समाधान भी है, जो प्रश्न है वही उसका उत्तर भी। दोस्त, मैं क्या बोलूं, आप सबों ने हवाई के उस डायमंड की कहानी सुनी है जिसने कठिन परिस्थिति में ही अपने आप को हमेशा बड़ा किया है। न जाने दर्जनों बार मैंने यह कहानी सुनाई है, लेकिन इससे अच्छी कोई कहानी ही नहीं बनती है। टफ टाइम नेवर लास्ट, टफ पीपल ऑलवेज डू। रॉबर्ट स्कूलर भी कहता है यार, कुछ कहानियां होती हैं जो बन जाती हैं, कहने की जरूरत नहीं होती है। मैं एक लीडरशिप की किताब पढ़ रहा था जो एनबी कोप की थी, और उस एनबी कोप की किताब में लीडरशिप के बारे में जो बात लिखी गई थी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक बात लिखी गई थी, सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे बढ़िया मुझे बात लगी उस एनबी कोप की, कि उसने कहा कि नेतृत्व का पता तब नहीं चलता जब सब कुछ सामान्य चल रहा हो, नेतृत्व का पता तो तब चलता है जब सब कुछ असामान्य हो चुका हो। जब बाढ़ आ जाता है तब कुछ लोग निकलकर उसमें से लोगों को बचाने चल देते हैं, जब कुछ आपदा आती है तो कुछ लोग घरों से निकलकर वॉरियर्स के रूप में काम करने लगते हैं, जब परिस्थितियां विकट हो जाती हैं तो कोई एक आदमी अचानक खड़ा होता है और सबको लेकर आगे बढ़ने का हौसला दिखाने लगता है, जब परिस्थितियां बहुत विपरीत होती हैं तो कोई एक आदमी आता है, एक निर्णय लेता है, और कठिन परिस्थितियों में भी सब कुछ उतना ही अच्छा होता है जितना अच्छा अनुकूल परिस्थितियों में था। जब 24 मार्च को लॉकडाउन का डिसीशन हुआ था, एक बार तो सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ गई, मैं भी स्तब्ध रह गया और लगा कि 15 दिनों तक क्या होगा, चिड़िया तक पर नहीं मार सकता है घर से निकलकर, कोई प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं हो सकती है, दुनिया रुक गई है, देश की आजादी में भी रेल नहीं रुकी थी, और प्रकृति ने ऐसा कुछ कर दिया, विभाजन के समय में भी नहीं हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी नहीं हुआ था, 1852 के बाद से भारतीय रेल कभी रुकी नहीं थी और वो रेल भी रुक गई, तो अब क्या होगा। लेकिन दोस्त, कठिन परिस्थिति आई, हम लोग पराक्रमी लोग थे, हम लोगों ने अप्रैल और मई में भी क्या व्यवसाय और जून में भी क्या क्लोजिंग कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी। इस साल भी प्लैटिनम्स एंड फाउंडर प्लैटिनम्स आ रहे हैं, इस महीने एक नया प्लैटिनम आ रहा है और इस साल भी नया फाउंडर्स प्लैटिनम आ रहा है। तो ये समझने की बात है कि ये होता रहेगा। हवाई के डायमंड की कहानी भी अद्भुत कहानी है कि वो शुरू करता है बिजनेस और बेचारा प्लैटिनम मुश्किल से होता है कि बाढ़ आती है, सब कुछ खत्म हो जाता है, 2-4 महीने बाद फिर से हौसला खड़ा करता है, कहानी की शुरुआत फिर से 9%, 12%, 15% सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम, एमरल्ड होता है, एमरल्ड होते हुए भूकंप आ जाता है, सोचिए क्या हुआ, सब कुछ तितर बितर, सारी कुछ कहानी खत्म, उसके कुछ जाबाज अच्छे लीडर्स भी नहीं रहे, बट वो उस विपदा से निकलता है, लोगों को मदद करता है
और फिर से कहानी की शुरुआत कर देता है। फिर से 15% जाता है, फिर से सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम फाउंडर्स प्लैटिनम एमरल्ड और इस बार डायमंड ब्रेक करता है। और स्टेज पे खड़ा होकर जब उसकी हैंड रेजिंग होती है तो हैंड रेजिंग में अपनी रैली स्टोरी सुनाते हुए कहता है, एंड नाउ आई एम अगेन वेटिंग फॉर नेक्स्ट कैलामिटी, आफ्टर दैट आई विल गो एग्जीक्यूटिव डायमंड। सी दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेवरी एंड टफ टाइम, पराक्रम और कठिन परिस्थिति का यही तो अद्भुत संगम है। सोचिए, तो बार बार इस कहानी को सुनाकर भी मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ। जॉन क्रो की स्टोरी, गोली मार दी गई, चोरी करने आया, नीचे गिर गया आदमी, पैरालिटिक अटैक हो गया, डबल डायमंड ट्रिपल डायमंड, ये आप जानते हैं जॉन क्रो। रॉबर्ट स्कुलर ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी एक बार, मैं आपको वो बात कहना चाहता हूं अंत में। उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था और वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी किताबें उसकी हैं आप जानते हैं, उसी की एक किताब का शीर्षक भी है टफ टाइम नेवर लास्ट पीपल ऑलवेज डू। आई डिडंट वेंट थ्रू द बेसिक कंटेंट और गो थ्रू द कंटेंट ऑफ दैट बुक, आई मीन रेज दिस टॉपिक बिकॉज देर आर डिफरेंट थिंग्स एंड डिफरेंट स्टोरी विच हैज बीन रिटन इन दैट बुक। आई हैव टेकन ओनली द आई मीन द बेसिक टॉपिक ऑफ टाइटल ऑफ दैट बुक और बाकी छेपक और कहानियां हम लोगों ने अलग से ली और अपने बिजनेस के संदर्भ में ली। लेकिन उसने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, he has given a concept and that concept is concept of possibility thinking, concept of possibility thinking। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये विचार जो लोग करते हैं ना वो लोग जिंदगी में कभी नहीं हारते। विचार तो सब करते हैं लेकिन कुछ लोग संभावनाओं पर लगातार भी सब विचार करते हैं, पॉसिबल कैसे होगा, संभव कैसे होगा, चीजें बदल जाती। दोस्त, वंस यू विल टेक चार्ज एंड यू विल टेक कंट्रोल ऑफ सर्कमस्टांसेस, नोबडी विल बीट यू, नोबडी विल बीट यू। यू शुड ऑलवेज पुट योर प्रॉब्लम इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव, एक संदर्भ में, एक खांचे में हमेशा अपनी समस्याओं को रखना चाहिए। और जब खांचे में रखिएगा तो उसका समाधान भी आपको मिलेगा। तो फिर चुनौतियां क्या है, यही समझिए। जीवन में भी इसका उतना ही महत्व है और अपने बिजनेस में भी। रॉबर्ट स्कुलर ने एक और बड़ी अच्छी बात कही थी और उसने कहा था कि सक्सेस इज नेवर एंडिंग एंड फेल्योर इज नेवर फाइनल। सफलता जो है उसका कोई अंत ही नहीं है और असफलता भी फाइनल नहीं है कि अब इसके बाद असफल नहीं होंगे, अरे फिर असफल होंगे, फिर सफल होंगे, फिर असफल होंगे, फिर असफल होंगे, है ना। कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने भी यही कहा, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद, है ना। और दूसरी तरफ भी लोगों ने यही कहा कि जब असफलता के कोख से ही सफलता का जन्म लेता है तो कहने की क्या बात है। दोस्त, हमारे देश में, हमारे देश के जो सबसे बड़े नायक हैं, महानायक हैं, अमिताभ बच्चन, उस अमिताभ बच्चन के बारे में सोच के आपको इतनी खुशी होगी और उसकी कहानी को जानकर भी लगेगा कि क्या चैलेंज है। लेकिन उस आदमी ने भी इतने ऊंचे टफ टाइम देखे हैं कि आप विश्वास नहीं कर सकते। और विशेषकर दोस्त, जब आदमी सफल हो जाता है उसके बाद जब कठिन परिस्थितियां आती हैं तो उसकी रूह कांप जाती है। प्रेमचंद ने लिखा था ना कि अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी जहरीली होती है, सच में जहरीली होती है। दोस्त, आपको जब आदत हो जाए शानदार पैन पर सेंसर वाले कमोड पे पॉटी करने की तो लोटा लेके मैदान में भेजेगा तो बड़ा दिक्कत है। लेकिन लोटा लेके मैदान में जा रहे हैं और फिर लोटा लेके जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत कमोड वमोड बदलेगा तो ठीक है। लेकिन जब अल्टीमेट कमोड पे चले आइए, जहां जाइए तो स्मार्ट कमोडो, नो बैक्टीरिया, वो सेंसर लगा हुआ, वो सारा कुछ वो क्लीन कर दे आपके जाने के बाद 5 बार क्लीन एवरीथिंग। मैं आजकल वॉशरूम वगैरह देख रहा हूँ तो मेरे दिमाग में आ गया, 9,000 रुपये से लेकर 5,00,000 रुपये तक का दुनिया में कमोड है, दिस इज लाइफ। सो तो आपको बड़ा फील होगा, इंडियन में जाने में दिक्कत होगा, लोटा लेके जाने में तो क्या दिक्कत होगा। अमिताभ बच्चन का जीवन भी ऐसा ही था दोस्तों, रफ आवाज, लोगों ने कहा, ऑल इंडिया रेडियो ने, आकाशवाणी ने कहा, भाई तुम तो बोलने लायक भी नहीं हो, कहां जाओगे, एक्टिंग क्या होगी। किसी तरह से आदमी के अंदर में सपने थे, तो पिताजी बड़े कवि थे, शानदार कवि हरिवंश राय बच्चन, तो उनकी चिट्ठी लेके फिल्म इंडस्ट्री पहुंचे, ख्वाजा अहमद अब्बास को लिखा था उनके पिताजी ने चिट्ठी, इफ आई रिमेम्बर,
और उनकी चिट्ठी को लेके गए, किसी किसी तरह साथ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानी में काम मिला था, कुछ खास चली नहीं। लोगों ने देखा लंबा दुबला पतला सा एक लड़का आया है, क्या होगा, फरीब फिल्म, सौदागर फिल्म, एक दो फिल्में मिली किसी तरह से, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। लेकिन जब हुआ, जब कठिन परिस्थितियों से लड़ता रहा वो आदमी, तो फिर जंजीर, खेल बदल गया। दीवार, एंग्री यंग मैन, शोले, क्या कहानी थी जैक की, लोग हमेशा जैक को याद भूल नहीं पाते हैं, उस दृश्य को। अभी मैंने कहीं देखा था कि शोले फिल्म के 50 साल होने पर, या सब लोगों ने मिलकर, या 45 साल होने पर उनके कलाकार की जगह बैठे हुए। शोले फिल्म के बाद तो कहना छोड़ दीजिए, फिर तो खेल ही बदल गया। अभिमान, कभी कभी, और उसके बाद कस्मे वादे, फिर तो अमर अकबर एंथोनी, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, लावारिस, क्या बोलना है। लेकिन दोस्त, मर्द फिल्म के बाद अगले फिल्म की शूटिंग होती है, कुली में चोट लगती है और वो आदमी बिस्तर पे जाता है, उठता है उसके बाद ठीक होकर, तो फ्लॉप फिल्मों की भी वैसी ही कतार लग जाती है। लाल बादशाह से लेके कौन नहीं, कतार लग जाती है। कोई जानने के लिए तैयार नहीं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई डायरेक्टर जो बोलता था वो लेने के लिए तैयार नहीं। आदमी जलसा प्रतीक्षा को बेचने के लिए लोन पे खड़ा, एबीसीएल कंपनी, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कहां पहुंच गया, अर्श फर्श की कहानी। लेकिन फिर कठिन परिस्थितियां आती हैं, पराक्रमी लोग लगे रहते हैं, उसको हराते हैं। बीपीएल का एडवर्टीजमेंट आता है, नया नया टीवी आया था, आई स्टिल रिमेम्बर, अमिताभ बच्चन उसके साथ आते हैं, प्रचार में उतरते हैं। परिवर्तन इसी को कहते हैं, आदमी कैसे अपने को चेंज करता है, कौन बनेगा करोड़पति में उतरते हैं, और फिर तो खेल बदल जाता है। और उसके बाद उसी अमिताभ बच्चन की पूजा महानायक के रूप में, और फिर तो एक अलग कहानी, सब कुछ बदल गया। फिर तो क्या मैं बोलूं, बंटी बबली से लेके कभी खुशी कभी गम और मोहब्बतें और सरकार और पीकू, आप जानते हैं। आज अमिताभ बच्चन 75 वर्ष की उम्र में भी 35 वर्ष के लोगों को मात देने वाले, लेकिन उन्होंने कठिन परिस्थितियां देखी। फ्रेंड्स, मैं हमेशा भगवान को एक ही चीज बोलता हूं, हे ईश्वर, स्वस्थ रखना, कठिन परिस्थितियां देना, लेकिन पराक्रमी बनाए रखना, ताकि मैं हमेशा उसको कर गुजरूं और शिखर पर आगे बढ़ता रहूं। आप यह मत सोचिए कि कठिन परिस्थितियां नहीं आएंगी, आएंगी, आपकी भी विड्थ गड़बड़ाएगी, आपके डेप्थ में भी कुछ दिक्कतें होंगी, आपके यहाँ भी कुछ ओपिनियन का डिफरेंसेस होगा, आप भी कुछ आगे बढ़ेंगे तो स्टक अप होंगे, प्रोफेशनल चैलेंजेस भी हो सकते हैं, पर्सनल चैलेंजेस भी हो सकते हैं, आएगा, आपके पिन चेंज करने में सिचुएशन बन सकता है, आपको लगेगा कैसे होगा, अब क्या होगा, कल्चर को बनाने में फाइट हो सकता है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आप पराक्रमी हैं तो चीजें बदलती चली जाएगी, आपको कोई रोकेगा नहीं, भगवान आपको तथास्तु तथास्तु कहते चलेंगे और आप आगे लगातार बढ़ते चले जाएंगे, आपकी जय ही होगी और किसी की जय होगी नहीं। तो हे युवा, उठो, हुंकार करो, सिंहासन को भी पार करो, जाओ जाकर कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, कर दिया तिलक, सुखमय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। यू विल बीट ऑलवेज द टफेस्ट इवन टफेस्ट सर्कमस्टांसेस, and that I can assure you, that I can say to you.